हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ नया रिक्रूटमेंट। ईस्टर्न रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। अप्रोक्स 3000 से भी ज़्यादा टोटल वैकेंसीज लेके आ चुका है ईस्टर्न रेलवे। एक एक जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। 10th पास करके आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। कौन कौन डिविजन में कहाँ पर रिक्रूटमेंट होने वाला है, एक एक जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। तो देखते रहेगा पूरा वीडियो लास्ट तक। अगर आप लोगों को और भी जॉब अपडेट मिलता रहेगा तो आप लोग आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.studywithsouvik.com में जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे आप लोग हर रोज जो है लेटेस्ट जॉब के अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा। जस्ट सर्च करिए गूगल में स्टडी विथ सोविक, जहाँ पे आप लोग को एक एक जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या आया है, जहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। दोस्तों जैसे कि देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ ईस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल नोटिफिकेशन। क्लियरली यहाँ पे बताया है 29 मार्च 2022 में इसका जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे आया है। इसी के साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होने वाला है 11th ऑफ अप्रैल 2022, एंड इसका लास्ट डेट है 10th मई 2022 तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे जो कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं वो है फिजिकली हैंड PWD, एक सर्विस मैन एंड रिजर्व OBC SC ST EWS कैंडिडेट कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट जो डिवीज़न आया है हावड़ा डिवीज़न। हावड़ा डिवीज़न के अंदर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। 659 टोटल पोस्ट है जहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाला है। फिटर, वेल्डर, मैकेनिक, NV मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, कारपेंटर, पेंटर, लाइनमैन, जनरल वायरमैन, रेफरेंस एंड AC मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक एंड मैकेनिक टूल के अंदर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। हावड़ा डिवीज़न के अंदर यहाँ पे देख सकते हो 639 टोटल पोस्ट है। यहाँ पे अनरिजर्व OBC SC ST EWS सबके लिए यहाँ पे वैकेंसीज मिल जाएगा। इसके बाद जो वर्कशॉप और डिवीज़न आता है वह है लिलुआ। लिलुआ वर्कशॉप के अंदर रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, जहाँ पे 612 टोटल वैकेंसीज है। फिटर, मैकेनिक, टर्नर, वेल्डर, प्रिंटर, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, रेफ्रिजरेशन के ऊपर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। सियालदा डिवीज़न के ऊपर रिक्रूटमेंट है, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे 297 टोटल पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन फिटर, FCO, वायरमैन, ऑयल एंड मैकेनिक, मैकेनिकल डीजल एंड सिविल इंजीनियर के ऊपर वैकेंसी निकल के आया है। था उसके बाद जो वर्कशॉप और डिवीज़न है वो है काचरापाड़ा वर्कशॉप एंड डिवीज़न, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे भी आप लोग देखोगे तो 187 टोटल पोस्ट है। इसमें भी आप लोगों को फिटर एंड जितने भी यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस है इसमें भी रिक्रूटमेंट किया जाएगा। मालदा में भी रिक्रूटमेंट है, वहाँ पे भी 138 टोटल पोस्ट है। आसनसोल के लिए 412 टोटल, अप्रॉक्स 3000 के आसपास जो है वैकेंसीज निकल के आया है। जबलपुर के लिए 667। इसमें आप लोगों को बताना चाहूँगा एक जानकारी, जो कि है यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते। 15 से 24 ईयर्स के एज लिमिट होना चाहिए। SC ST के लिए 3 to 5 एंड 10 ईयर्स के अगर PWD कैंडिडेट है यहाँ पे आपको एज रिडक्शन मिल जाएगा। अगर आप 10th पास 12th पास विद 50% मार्क्स है तो आप लोग भी यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे 1 ईयर के ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है, जिसके अंदर आप लोगों को स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। मेडिकल फिटनेस भी चेक किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो है ईस्टर्न रेलवे के अंदर मेरिट लिस्ट के ऊपर बेस करके सिलेक्शन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसके बाद आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन हो सकते हो। तो यही था आज की वीडियो। और एप्लीकेशन करने के लिए एप्लीकेशन फ़ीस जो है यहाँ पे 100 रुपीज़, जो कैंडिडेट SC ST PWD एंड वुमेन कैंडिडेट उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं चाहिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें से आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। आज की वीडियो के यहाँ पे ही ख़त्म करने वाला हूँ। रेलवे की तरफ से आया है इस रिक्रूटमेंट। अगर आप लोग को और भी कुछ जानकारी चाहिए कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द देने वाला हूँ। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।